सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हार कभी स्वीकार मत करो, हमेशा जीतने की कोशिश करो। अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। आज का पंचांग 29 जून 2024 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 2:20 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 8:49 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:09 से 10:49 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 29 जून 2024 दिन शनिवार, अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। हाल ही में हुआ कोई नुकसान आपके दुख का कारण बन सकता है। पूरे और जोखिम भरे व्यवहार से बचें, क्योंकि यह आपके अपमान या खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा। दोस्तों के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। आने वाले दिनों में अच्छा भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। आज अपने साथी या दोस्तों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात हो सकती है। जिस परिस्थिति में आप इस समय हैं, उससे निकलने के लिए आप किसी की राय चाहते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेनी है, किंतु आप अभी कोई जोखिम को नहीं लेना चाहते। अपने दिल की सुने और आपको वही मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। असहजता आपकी मानसिक शांति में बाधा पैदा कर सकती है, लेकिन कोई दोस्त आपकी परेशानियों के समाधान में काफी मददगार साबित होगा। तनाव से बचने के लिए मधुर संगीत का सहारा लें। रियल एस्टेट संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। आपके बॉस किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर करेंगे, क्योंकि निगाहों में बने रहने के लिए अपना काम अच्छी तरह से करें। आज आप अपनी जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं। अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज सब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएगी, तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। मीडिया और संपर्क सूत्रों से ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। स्त्रियां घर और बिजनेस दोनों जगह सामंजस्य रखने में कामयाब रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति बनाए रखना आपको मान सम्मान दिलाएगा। आपके कामों को अन्य लोग स्वीकार करें, यह अपेक्षा आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकती है। करीबी लोगों के साथ विवाद होने की संभावना है। अपने विचार प्रकट करते समय किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। काम संबंधी जिम्मेदारियों की वजह से नकारात्मकता रहेगी। रिलेशनशिप सुधारने के लिए अपने अहंकार पर काबू करें। शरीर में भारीपन भी हो सकता है, ख्याल रखें। आज के दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें। आपकी दी गई सलाह परिवार के सभी सदस्य मानेंगे। आप अपने लंबे समय से रुके हुए किसी काम के पूरा होने से प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कोई गुप्त राज पता चल सकता है। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें। यदि कोई बदलाव करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी काम के चलते अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। सावधानियां।
लोगों के प्रभाव में आने से बचें। किसी भी तरह की भविष्य संबंधित योजनाएं बनाते समय अपने फैसलों को प्राथमिकता दें। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे से टाइम मैनेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज के दिन बहुत अच्छा है। इस समय परिवार और स्वयं के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, क्योंकि किसी लाइलाज बीमारी के कारण अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लव पार्टनर और प्यार के लिए समय उज्जवल है, जहां आपको यौन सुख की कमी महसूस नहीं होगी। तो तैयार रहें इन खट्टे मीठे अनुभवों के लिए। कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए यह सही समय है। पति पत्नी के साथ निजी मुद्दों पर बातचीत करना आज आपके कार्ड्स में है। अपने दिल की बात सुने और आप सच में उससे पाएंगे जिसे आप चाहते हैं। प्यार की तलाश है तो कुछ समय इंतजार करें। प्यार का सितारा आपके जीवन में जल्द ही चमकने वाला है। बात करते हैं करियर की। दुनिया की बुराइयों, गंदगी और पाप से परेशान होकर आप आज के दिन आध्यात्मिक कार्यों में लगा सकते हैं। अपमान से बचने के लिए कुछ बातों को रहस्य ही बनाए रखना बेहतर है। आज आपकी मानसिक शक्तियां आपको तकलीफ और पुरस्कार का हकदार बनाएगी। आज किसी मित्र या प्रियजन के साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है। अभी जो भी काम आप करें, दूसरों की सलाह अवश्य लें। कुछ बड़े निर्णय भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज केवल अपने दिल की सुने और आप जो चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। उतार और चढ़ाव का दूसरा नाम ही जीवन है। कुछ भ्रम की स्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफी फायदेमंद है और पुरस्कार से भरपूर भी। प्रस्ताव आपने पहले न देखा न सुना, इसीलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस की गतिविधियां बेहतर होगी। इससे संबंधित अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग में भी आपको बुलाया जा सकता है। सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों के साथ विवाद में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज सुबह का समय व्यस्तता भरा रह सकता है। पिता से सहयोग प्राप्त होगा, आय भी अच्छी रहेगी। संतान से सहयोग प्राप्त होगा, दोपहर में आय की वृद्धि होगी। अटके धन की प्राप्ति हो सकती है, कार्यों में सफलता मिलेगी। सुख की प्राप्ति होगी, शाम का समय प्रतिकूल रह सकता है। खर्च वृद्धि के साथ तनाव रहेगा, मनचाहे कार्य नहीं कर पाएंगे, समय की बर्बादी ही होगी। बात करते हैं सेहत की। आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधित मामले बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चिंत करने दें। आपके पास अपने सभी मनचाहे व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे, लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकती हैं। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले कपड़ों का दान करें, आज बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।